1 जुलाई को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। देखिए खास खबर। 1 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पोलो ग्राउंड स्थित मुख्यालय के नए सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। यहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। हो हो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रबंध निर्देशक विकास नरवाल, मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ऊर्जा विभाग व कंपनी में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने पर कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। माननीय CMD साहब के निर्देश पे आज का दिवस जो कि 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुई थी, इसको स्थापना दिवस के रूप में हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से भी स्टार्ट किए हैं। ये पहली बार ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो आज हम लोगों को विशेष रूप से जो कार्यक्रम किया है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके अलावा हमारे कर्मचारियों के द्वारा जो रेवेन्यू वसूली में, फील्ड में या अन्य ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों में जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, ऐसे हम लोग 46 लोगों को हम लोग आज पुरस्कार वितरण भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज एक दिवसीय कार्यक्रम ही है। इसको हम भविष्य में भी इन चीज़ों को प्लान करें ताकि हम अधिक से अधिक जनता के बीच में इन बातों को हम लोग पहुँचा सकें। कुल मिलाकर इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्थापना दिवस पर बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।